सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हमारे का वीडियो टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मेन और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कि हाउ टू गेट मोर कॉफीज और नट इन पोकेमॉन मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी कहो या फिर कहो पोकेमॉन एवोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन तो जो भी मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी खेलते हुए तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं मैथ में पूछ रहा हूँ कि 2+2 कितना होता है, मतलब कि सेम टू सेम ये वही है कि अगर आप मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी खेलते हो तो आप सभी को कॉफी और नट की तो जरूरत होती है, स्पेशली वाउचर लेने में, कोई भी चीज़ लेने में। तो बहुत सब मुझे कमेंट भी करते हैं कि ब्रो तुम्हारे पास इतना ज़्यादा कॉफी और नट कहाँ से आता है। तो आज मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि कहाँ से स्वीप करना चाहिए और कहाँ से कितना कॉफ़ी मिल सकता है। और मैं कोई ऐप ये सब नहीं बताने वाला और कुछ भी आलतू फालतू ट्रिक तो बिल्कुल नहीं बताऊँगा। मैं सिंपली बताऊँगा कि आपको ज़्यादा कॉफ़ी और नट कहाँ से मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने कॉफ़ी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास 247 कॉफ़ीज़ एंड 708 नट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होता पर नॉर्मल तो होता है। तो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आपको कहाँ से स्वीप करना है ज़्यादा कॉफ़ी नट लेने के लिए। तो आपको सिंपली नॉर्मल में आना है और आपको 17 जो है यहाँ पर लिखा होगा आपका यहाँ चैप्टर, तो आपको 17 चैप्टर से पहले ही स्वीप करना है। क्योंकि अगर आप 17 चैप्टर के बाद स्वीप करोगे तो आपको 8 VIT का कॉस्ट लगेगा, पर अगर 17 से पहले करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 VIT का कॉस्ट लगेगा। मतलब कि अगर आप जितना कम VIT यूज़ करोगे आपके पास उतना ही ज़्यादा VIT सेव होगा और ज़्यादा स्वीप कर सकते हो। और सिंपल सी बात है कि अगर आप ज़्यादा स्वीप करोगे तो आपको ज़्यादा कॉफ़ी नट भी मिलने का चांस रहेगा। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि जब हमारा गेम रीसेट होता है, मतलब कि डेली हमारा गेम रिफ्रेश या फिर रीसेट करो, वो होता है हमारा 8:30 बजे। तो 8:30 बजे से 10:30 बजे तक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी नट मिलता है। अगर आप स्वीप करते हो तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी नट वही टाइम पे मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज मुझे हो चुका है थोड़ा देर 10:30, तो इसलिए आज शायद मुझे मिलने वाला कम कॉफ़ी नट। तो आपको स्वीप करना है सिंपली नॉर्मल में आके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक, मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा कॉफ़ी नट मिलता है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 के। आप कोई सभी कर लो रूट में, मतलब कि कोई सभी लेवल पे आपको सबसे ज़्यादा कॉफ़ी नट यहीं से मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा आपको कॉफ़ी और नट मिल सकते हैं चैप्टर वन ही रूट पर, मतलब कि जो सबसे पहला लेवल है। तो मैं आप सभी लोगों को क्लियरली बता देता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और नट कहाँ से मिलेगा। तो आप सभी को सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और नट मिलने का चांसेस है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक, क्योंकि मैं भी डेली यहीं पर स्वीप करता हूँ और मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक स्वीप करते करते मुझे डेली 40 से ज़्यादा कॉफ़ी मिलता है। यस गाइज, मुझे 40 से ज़्यादा कॉफ़ी मिलता है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक स्वीप करने। और अगर आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो VIP हूँ तो मैं तो 10-15 बार VIP परचेस कर लेता हूँ, तो गाइस नहीं, मैं सिर्फ एक दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 और VIP परचेस करता हूँ। हाँ, आप सभी लोगों ने एकदम सही सुना, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ही और VIP परचेस करता हूँ, बाकी सब VIP मुझे वाचेट से तो और भी कहीं कहीं से मुझे मिल जाता है। तो मैं ज़्यादा VIP परचेस नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अपना ट्रेन लेवल भी अप नहीं करना है, इसीलिए। तो मैं सिंपली स्वीप बस यहीं से करता हूँ, सिर्फ नॉर्मल में आके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 के रूट तक। तो अगर आपको भी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और नट चाहिए तो आपको भी सिंपली चैप्टर 1 में आके स्वीप करना है और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 यही सब में, क्योंकि नॉर्मल में मिलता है हमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और नट। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नॉर्मल के बारे में बता दिया, फिर मैं आप सभी लोगों को थोड़ा बड़ा दिखा भी देता हूँ। और अगर आपका VIP लेवल है VIP 3 से ज़्यादा, तब आप स्वीप 10 भी कर सकते हो, आपको वहाँ से भी आपको ज़्यादा कॉफ़ी नट मिलने का चांस रहता है, क्योंकि स्वीप 10 में आपका सीधा स्वीप 10 बार हो जाता है, वहाँ पे आपको 3 या 4 कॉफ़ी नट तो ज़रूर मिल जाता है। तो वैसे तो मैं स्वीप 10 और स्वीप 1 मिलाई जुला के करता हूँ। तो चलिए अब मैं लोग बात करते हैं एलाइट का। तो बहुत बड़ा ऐसा होता है कि हम लोगों का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है कि हमें नॉर्मल में से मात्र मिलता है 10 या 11 कॉफ़ी नट। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, जब मैं लेट से स्वीप करता मुझे मिलता है मात्र 10 और 9 कॉफ़ी नट। तब आपको उस परिस्थिति में आपको स्वीप करना है एलाइट में, क्योंकि अगर आप एलाइट में स्वीप करते हो तो आपका 2 फायदा होगा। सबसे पहले तो आपको कॉफ़ी नट मिलने का ज़्यादा चांस रहता है, और दूसरा कि आपका पोकेडेक्स लेवल भी आप कर सकते हो, मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा पोकेडेक्स मेटेरियल आपको एलाइट से लेना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग कहा जाता है एलाइट में हर बार ही कॉफ़ी नट मिलता है। तो मैं एलाइट में भी कभी कदार पोकेमॉन के एवोल्यूशन स्टोन या फिर इन्फर्निक्स वॉट्सअप के लिए कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी मुझे पोकेमॉन को डबल स्टार बनाना होता है तो मैं एलाइट ही मार के स्वीप करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी नट भी मिलता है। तो गाइस, जब आपका नॉर्मल में दिन ख़राब चल रहा हो कॉफ़ी नट के मामले में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली मैं आके एलाइट में स्वीप करना है, क्योंकि एलाइट में आपको कहा जाए तो हर बारी कॉफ़ी नट मिलता है, सिर्फ कभी कदार ऐसा होता है कि आपको नहीं मिलता हो। तो मैं जैसे कि आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नट लगभग कहा जाए तो हर बारी मिल रहे हैं।
तो अगर आप VIP 3 सजाते हो तो आप एलाइट में भी आके Sweep 3 कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मुझे कितना कॉफी नेट मिल रहा है। तो आपको एलाइट में भी सिंपली Route 7 से पहले करना है, मतलब कि आपको एलाइट में भी Chapter 17 से पहले स्वीप करना है, क्योंकि Chapter 17 के बाद आपको 16 VIT मांगेगा और उससे पहले आपको मांगेगा 12 VIT। मतलब कि Chapter 17 से पहले स्वीप करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं आप सभी लोगों को एक और ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल और एलाइट में स्वीप करते हो आपको वहाँ से तो कॉफ़ी मिलेगा ही, पर अगर आपको और कॉफ़ी नेट चाहिए तब आप ले सकते हो बोनस इवेंट में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ टास्क एक्सपर्ट है, जहाँ की मुझे कुछ टास्क करना था तो मुझे मिला यहाँ पे 1 नट। और आप यहाँ से और भी कुछ कुछ टास्क करके ले सकते हो, जैसे कि 1 घंटा अगर आप ऑनलाइन रहोगे तो आपको 1 नट और मिलेगा। और पॉपुलर इवेंट में भी हमारा कभी कभी इवेंट आता है प्रेजेंट फॉर एक्यूमुलेशन लॉगिन, मतलब कि अगर आप डेली लॉगिन करते हो तब भी आपको यहाँ से कुछ कुछ नट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कभी कभार कॉफ़ी का भी इवेंट आ ही जाता है। और यहाँ पे फेस्टिवल इवेंट, तो फेस्टिवल इवेंट में भी यहाँ पे आया हुआ है हमारा फेस्टिवल एक्सचेंज, कि अगर आपके पास ज़्यादा कॉफ़ी और कम नट है, या फिर आपके पास ज़्यादा नट और कम कॉफ़ी है, तो यहाँ पे आप कॉफ़ी देके नट भी ले सकते हो और नट लेके कॉफ़ी भी ले सकते हो। मतलब कि ये इवेंट तो हमारा अल्टरनेट है, जो कि अभी टेम्पररी आया हुआ है। ये हमारा इवेंट कभी कभार रहता है और कभी कभार चला भी जाता है, जो कि ये इवेंट हमारा बहुत ही साल बाद आया। तो यहाँ पे सिर्फ आपका लिमिट है 5 अ डे, मतलब कि आप एक दिन में 5 कॉफ़ी देके सिर्फ और सिर्फ 5 ही नट ले सकते हो, और 5 नट देके सिर्फ और सिर्फ 5 ही कॉफ़ी ले सकते हो। मतलब ये तो बहुत ही कम दिन तक का है। और अगर आप सभी लोगों को कॉफ़ी नट का यूज़ नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आपको कॉफ़ी नट से आप कोई भी चीज़ ले सकते हो यहाँ पर, जो भी आपको दिख रहा है। तो कॉफ़ी नट से सबसे ज़्यादा लेने का फ़ायदा है हमारा विस्प एक्सचेंज वाउचर, तो आप विस्प एक्सचेंज वाउचर ही लेना अगर आपका ज़्यादा कॉफ़ी नट है तो, क्योंकि विस्प एक्सचेंज वाउचर से आप सबसे ज़्यादा पोकेमॉन ले सकते हो और पोकेमॉन का रिवॉर्ड कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी कितना कॉफ़ी नट्स है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास है 241 कॉफ़ी एंड 702 नट्स। तो मुझे तो डेली बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नट मिलता है, पर आज के दिन मैं जब वीडियो बना रहा था हाउ टू गेट मोर कॉफ़ी नट, तब मुझे मिला कम कॉफ़ी नट। मतलब कि अब गेम वालों को क्या ही कहा जाए, जानबूझ के मुझे दिया गया कम कॉफ़ी नट। तो बस गाइस, हमारी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मुझे बहुत ही सारे कमेंट आ रहे थे कि हाउ टू गेट मोर कॉफ़ी नट, तो फाइनली मैंने वीडियो बना दिया है। तो और ये वीडियो को शेयर भी करना जिन्हें नहीं पता कि हाउ टू गेट मोर कॉफ़ी नट। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in search, 'cause I wanna have.